हेलो गाइस, और क्या जाम का। अब यार लास्ट गेम प्ले में हम लोग इन लोगों से स्कैम करके लूटना चालू किए थे, मतलब यार एक सस्ता रेडिंग वॉल को बना दिए थे। और हमें लास्ट गेम प्ले के रात में हमारे अच्छे नसीब के कारण एक कैरेट और पोटैटो भी मिला था। तो आज हम लोग एक अनोखी ऑटोमेटिक कैरेट फॉर्म को बनाते, ठीक है। और हाँ यार, आप लोगों के मेरा हार्डकोर सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करके सपोर्ट करो। मतलब यार ये हार्डकोर गेम प्ले को बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है, और आपका सपोर्ट तो मेरे लिए गेम प्ले को बनाने में एनकरेज देगा और साथ में मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इसलिए सपोर्ट करते रहो, और वही कहेगा सब्सक्राइब बटन। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं हो तो सब्सक्राइब ही कर दो, और बेल को भी दबा के सपोर्ट करो। तो चलो रवि, एक अनोखी इजी मेथड से ऑटोमेटिक फार्म को बनाते हैं और बीच बीच में विलेजर्स को लूट भी लेते हैं। तो अभी यार पहले क्या है ना, एक्स को मैजिक का बनाते हैं, मतलब यार उसमें मेंटिंग और सिंटेज को मिलाते हैं। और ये देखो, पहले मैं तो फॉर्चून पैकेज से इन मेलन्स को कलेक्ट कर रहा था और बहुत कम मेलन स्लाइस मिल रहा था, लेकिन अभी तो ये देखो सिंटेज एक्स से पूरा के पूरा मेलन ही मिल रहा है। तो यार अभी चलो हमारे मेन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, मतलब यार इसी एरिया में ऑटोमेटिक कैरेट फार्म को बनाते हैं। अभी पहले यहाँ से सैंड को निकाल के एरिया को क्लियर करता हूँ। और यार भी मैं थोड़ा सैंड को हटा के एरिया को क्लियर किया हूँ। तो अभी क्या है ना, इस फार्म का आउटर लाइन को मार्किंग करते हैं। अभी पहले किसी भी एक कॉर्नर पे एक वॉल को लगाना है, और उस वॉल से एक ब्लॉक की गैप के बाद और एक वॉल को लगाना है, और सेम ऐसे ही और एक बात करना है। अभी ऐसे ही बाकी तीनों साइड में वॉल्स को लगा के बीच में 8 ब्लॉक्स के गैप को रखना है। अभी 17 बाय 17 साइज का एरिया में डॉट ब्लॉक्स को लगाना है। अभी अंदाजों से एरिया को डॉट ब्लॉक से फिल कर देना है। पर अभी किसी भी साइड का सेंटर का वॉल से 8 ब्लॉक्स के बाद एक वाटर वॉल को बनाना है। अरे यार ये देखो, एफिशिएंसी तो बहुत खतरनाक है। और इस वाटर वॉल से चारों साइड का सेंटर वॉल तक का गैप 8 ब्लॉक्स का ही होना चाहिए। अभी साइड का सभी वॉल्स को निकाल के वाटर वॉल को बनाना है। और बाद में मेन काम को स्टार्ट करना है, और इसके बाद कैरेट्स को प्लांट करते जाना है। और अभी फोर स्टैक से थोड़ा ज्यादा ही कैरेट्स को प्लांट किया हूं। तो अभी क्या है ना, नेक्स्ट स्टेप पे क्लास का वॉल को बनाना। और यहाँ का वाटर वॉल में ट्रैपडोर को लगा के बंद कर देना है। अभी चार ग्लोस्टोन डस्ट को मिला के ग्लोस्टोन को बनाना है। और अभी क्रॉच करके ट्रैपडोर के ऊपर कंपोस्टर को लगाना है, और उसके ऊपर ग्लोस्टोन को लगाना है। और यहाँ पे विलेजर को स्कैम करने की स्पॉट को बनाना है। पहले यहाँ पे ट्रैपडोर को लगाना है ताकि फार्मर बाहर ना निकले, और यहाँ पे और एक ट्रैपडोर को लगाना है। अभी यहाँ पे एक स्लैब को प्लेस कर देना है, बाद में यहाँ पे विलेजर ट्रैप होगा। और यहाँ से तीन ब्लॉक्स का डीप में डिग करना है। अभी यहाँ पे एक लाश को लगा के एक छोटा सा उनको बनाना है। और अभी यहाँ ग्लास के ऊपर टेम्पर ग्लास को लगाना है ताकि विलेजर को आसानी से ट्रैप कर सके। अभी दो पागलों को यहां से रिलीज करना है।
ये देखो, पता नहीं बंदा अपने आप भागते हुए ट्रैप होने जा रहा है। अरे यार, ये बंदा तो फार्मर बनने का सोच रहा है, तो इसको रिलीज करके फार्मर बनाता हूँ। पर बंदा अभी काम पे बिजी हो चुका है, अभी फिर से ट्रैपर को लगाना है। पर अभी जॉब साइट को यहाँ ट्रैपडोर के पास ही लगाना है। और ये देखो, बंदा ट्रैप हो चुका है। अभी जॉब साइट को निकाल दिया तो बंदा ट्रैप हो जाएगा। और अभी यहाँ से 3 ब्लॉक्स का डीप में डिग करके फार्म के डायरेक्शन में ट्रेंच को बनाना है। और ये देखो, टेम्पररी ब्लॉक भी मिल गया। और यहाँ से कैरट्स नीचे गिरेगा और बाद में ऑटोमेटिकली रिलीजर्स के ऊपर स्कैम होता ही रहेगा। और अभी पानी को डाल के पहले सिस्टम को एक्टिवेट कर देना है। अभी यहाँ ऊपर का टेम्पररी ब्लॉक्स को निकाल देना है और यहाँ विलेजर के ऊपर एक ग्लास को लगा के बंद कर देना है। अभी कहना यहाँ का ट्रेंच को ऊपर ही रखते हैं, मतलब यार 3 ब्लॉक्स का डीप से 2 ब्लॉक का बना दिया हूँ। और अभी कलेक्टर सिस्टम कंप्लीट होने तक इसको बंद कर देना है और यहाँ पे एक हॉपर को प्लेस कर देना है। फिर दो चेस्ट को प्लेस कर देना है। अभी ग्लासेस को चेस्ट के ऊपर प्लेस करना है, अभी एक ग्लास काफी है। और हॉपर को निकाल के दूसरे साइड में प्लेस कर देना है। अभी ओपन करने के बाद ये देखो, हो गया। और लास्ट में यहाँ पे वॉल को लगाना है। और यार इसके साथ ये है ना कि ऑटोमेटिक कैरेट फॉर्म भी इजी और सिंपल मेथड से रेडी हुआ है। और हो सके तो इस फॉर्म को आपके वर्ल्ड में भी ट्राई करके देखो और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे वर्क कर रहा है। अभी कैरेट का यूज क्या क्या होता है उसको नेक्स्ट गेम प्ले में देखेंगे। और यार आज के लिए ये हार्डकोर गेम प्ले को भी यही पेंट करते हैं। और आप लोगों को ये मेरा हार्डकोर गेम प्ले अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करके सपोर्ट करो और इसके साथ सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट करने को मत भूलना, ठीक है। एंड ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गेम प्ले। और यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।